रावत समाज के एक युवक के अपहरण के चलते पुलिस कार्यवाही में लापरवाही बरतने पर आज जोजावर में रावत राजपूत समाज ने किया धरना प्रदर्शन। दरअसल आज जोजावर में राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। जोजावर के श्रवण सिंह पुत्र प्रेम सिंह का किडनैप किया गया था, जिसके चलते उसके परिजनों ने सिरियारी में 8 तारीख 2023 को FIR कराई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के चलते आक्रोशित राजपूत रावत समाज ने इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उनका कहना है कि जब तक श्रवण नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर हम श्रवण सिंह का पता निकाल लेंगे। अन्यथा राजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर ढूंढकर नहीं निकाला तो फिर 21 तारीख को फिर से धरना दिया जाएगा। पुलिस के आश्वासन पर फिलहाल धरना स्थगित किया गया है। वंदे भारत के लिए सोजत से सुखदेव सिंह चौहान की रिपोर्ट। वो साइड पे आए अपने गांव के दो बच्चों को, रंजीत और एक प्रेम, क्या नाम है, उनको लेके एक भट्टी देने के लिए वाड़िया गांव गए। वहां से वापस आए, रंजीत को सुरेश नाई की साइड पे जंगले चौकी के पास छोड़ के वो वहां से निकले। उसके बाद में वो अभी तक कहीं मिले नहीं। हमने जोजावर के CCTV कैमरे खंगाल लिए, हमने गुड़ा मोकम सिंह आउआ जोजावर तक CCTV कैमरे देख लिए। उसके बाद में ये सुनने में आया कि उन्होंने गोदावास गांव में मेघवाल समाज का एक सामूहिक विवाह सम्मेलन है 22 को, उसमें काफी 15-20 टेंट वाले इकट्ठे हुए थे 26/12/2022 को। तो उन्होंने 3,81,000 में श्रवण सिंह जी की एक बोली छुट्टी है, वो भी उनको काम करना है। हम उनको ढूंढ रहे हैं, हमारी कोशिश पूरी है ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से। हमारा भी मान बढ़ेगा कि श्रवण सिंह को हम खोज ले तो राउत समाज में और 36 को में हमारे पुलिस के प्रति अच्छा संदेश जाएगा। हमारी 100% यही है कि हम जल्दी से श्रवण सिंह को सामने लाए। 7 दिनों से लापता है, घर पे नहीं है, पुलिस को रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हुई तो भी नहीं के बराबर हुई है, जिससे आम जन में आक्रोश पैदा हुआ है और आक्रोश से लेकर आज जोजावर उपले चौराहे पे इकट्ठे हुए हैं। और आम जन का मानस था कि भाई रोड जाम किया जाए, बाजार बंद किया जाए और लगातार धरने पे बैठे। तो पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि हम 5 दिन के अंदर उचित और राम धर्म से कार्रवाई करके रिजल्ट दे देंगे और ये धरना अब समाप्त हो रहा है। 5 दिन बाद 21 तारीख को वापस पुणे, यदि आम जन को लगेगा और पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो वापस 11 से मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। गांव के गोल की गांव के मौजी लोगों को साथ लेके मैं घूम रहा हूँ। इनके माताजी, इनके श्रवण सिंह जी पिताजी, पत्नी नैना कंवर, एक टेंट हाउस इनके अगस्त 2022 में ठेके लिया हुआ है, जो विक्रम महावीर सिंह नाम का जो फुलाद के पास गांव का है, जो यहाँ रहते हैं वो